तो नमस्कार सभी को और फिर से सुधांशु मनी सर का स्वागत है हमारे चैनल पावर ट्रेन के ऊपर और आज भी कई सारे ऐसे नॉलेजेबल बिट्स हैं जो विद एक्सपीरियंस सर हमारे साथ में शेयर करेंगे और आज मेन जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे थोड़े टेक्निकल होंगे लेकिन वो भी जानना ज़रूरी है राइट नाउ जो हमारे देश के अंदर एक बाद एक हमें नई ट्रेन लॉन्च होते हुए नजर आ रही है स्पेशली जो वंदे भारत के रेक्स बहुत ज़्यादा संख्या में लॉन्च हो रहे हैं उनमें कुछ इश्यूज जो है अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं सो so, वो हम सुधांशु मनी सर से आज जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली इश्यूज क्या है सो so, सर पहला सवाल जो हमारी तरफ से होगा वो यही होगा कि जब रेक्स पहली बार बनी थी उसके बाद में हमें ये चर्चा में आते हुए नजर आया था कि अल्यूमिनियम से भी हम रेक्स बनाएंगे लाइट वेटेड होंगे उनके कई एडवांटेजेस होंगे बट अभी ढेर सारी रेक्स आ गई कई सारे रेक्स टेंडरिंग के बाद में अब अवार्ड भी कर दी गई है बट फिर भी ये जो अल्यूमिनियम वाली रेक्स थी वो हमें क्यों देखने नहीं मिली आ, आ, शुक्रिया आकाश फॉर इनवाइटिंग मी तो जैसा आपको पता है पहले एक तो आपने एडवांटेज एल्यूमिनियम का बताया अब वर्ल्डवाइड यूरोप में खासकर इस स्पीड रेंज में वंदे भारत की स्पीड रेंज में और उससे कम स्पीड रेंज में भी और डेफिनेटली हायर स्पीड में तो ज्यादा ट्रेन अब एल्युमिनियम की ही बनती हैं एडवांटेजेस हैं लाइट वेट एनर्जी एफिशिएंट ड्यूरेबल एस्थेटिकली सुपीरियर तमाम एडवांटेज हैं तो हम लोग ने सबसे पहले आपको पता है ट्रेन ट्वेंटी ट्राई किया था जब मैं जीएम था आईसीएफ में और कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल था वो पुरानी बात हो गई लास्ट ईयर बिगिनिंग में ये टेंडर एक किया गया था सौ वंदे भारत इक्वलेंट का और इसमें दो बिड आई थी एक एलस्टम की और एक मेथा स्टार्डलर की और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये टेंडर किया गया था इसमें एक ही परेशानी मेरे हिसाब से थी कि 200 किलोमीटर की बात की गई थी 200 किलोमीटर का जैसा आप जानते हैं कोई ट्रैक हमारे यहां अभी नहीं है तो एक ओवररीच की तरह था वो तो उसको अलग रखते हैं तो इसमें बिड आई इन दोनों की उसके बाद एलिमन जहां तक मुझे याद है एलस्टम की बिड एक सौ पचास करोड़ पर ट्रेन की थी और नेगोशिएशन वगैरह भी हुआ एग्जैक्ट कितने तक एल्स्टम आया ये मुझे इतना नहीं पता है पर मुझे मालूम है इतना कि जो एल्स्टम ने जितना लोएस्ट नेगोशिएटेड रेट बताया और जो रेलवे का एक्सपेक्टेशन था उसमें एक खासा गैप था तो वो फिर मेरे रेलवे में लोगों की हिम्मत नहीं हुई उस प्राइस पे ऑर्डर करने की और टेंडर को डिस्चार्ज कर दिया गया या तो डोरमेंट है या डिस्चार्ज कर दिया गया वो उस पर कुछ होने वाला नहीं है तो ये बहुत एक तरह से गलत स्टेप हो गया इतना अच्छा टेंडर करने के बाद देखिए आपने वंदे भारत की 200 सौ का ऑर्डर दिया है स्टेनलेस स्टील टीटागढ़ बीएचएल और टीएमएच रशियन प्लस आरवीएनएल 120 करोड़ पे वो भी बहुत अच्छा रेट आ गया था बट वेरी कॉम्पिटेटिव रेट लेकिन इसमें आप वो रेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिकॉज ये पूरी एक इट्स एन डिफरेंट एनिमल ये एल्यूमिनियम की है और शुरू में चूंकि यहाँ पे वो एक्सट्रूजन बनाने की अभी कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी नहीं है अभी कंपनीज के पास तो काफी कुछ इसमें इम्पोर्ट कंटेंट होता धीरे धीरे चूंकि बड़ा ऑर्डर था ये इंडिया में हिंडाल को या वेदांता कोई कंपनी इंटरेस्ट देती और यहां जरूर बनता और बहुत बड़ा काम होता वो तो वो क्यों ये रेलवे इसको नहीं समझ पाई ये मैं नहीं बता सकता लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं हुआ अब आगे आप एल्यूमिनियम ट्रेन की तरफ जाना चाहेंगे तो शायद वो रेट भी ना मिले जो इसमें नेगोशिएटेड रेट था तो क्या एल्युमिनियम की तरफ हमारा रास्ता आ, और बहुत मुश्किल हो गया ऐसा लगता है मुझे अब ये तो वक्त बताएगा अब इलेक्शन के बाद ही मेरे ख्याल से कोई मूवमेंट इसमें होगा लेकिन टू माय माइंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैज बिन लॉस्ट इसको uh, आपने इतनी मेहनत करके एक टेंडर किया और इसको एक फाइनलिटी की तरफ ले जाना चाहिए था आ, वो नहीं कर पाए हम लोग तो ये मेरे हिसाब से एक रेट्रोगेट काम हो गया तो सर कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन होना ज्यादा था इस टेंडर के थ्रू इतने बड़े रेक्स अगर ऑर्डर होते नंबर्स में तो जो पूरी की पूरी सप्लाई वो भी डेवलप हो जाती बट वो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सही कहा तो आपने एक बार इतना बड़ा टेंडर ये डिसाइड होता तो एल्यूमिनियम एक्सक्रूज बनाने की कैपेबिलिटी कंट्री में डेवलप होती और फ्यूचर के लिए एल्यूमिनियम ट्रेन का रास्ता बहुत अच्छा खुलता देखिए ये हाई स्पीड रेल एल्यूमिनियम की आएगी लेकिन उनके नंबर्स इतने नहीं होंगे कि कंट्री में आराम से कोई कैपेबिलिटी कैपेसिटी डेवलप हो पाए तो इसीलिए कह रहा हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मॉडर्निटी की तरफ जाने की और सप्लाई uh, चेन जो आपने कहा वो चूंकि ऑर्डर बड़ा था वो भी डेवलप हो जाती uh, लेकिन अब ये फिर से नए सिरे से शुरू होगा और हम लोग अब देखिए ट्रेन ट्वेंटी का टेंडर 2017 में हुआ था आज हम इसीलिए उसका नाम ट्रेन ट्वेंटी कहा गया था कि ये ट्वेंटी के एंड तक आ जाएगी अब 2024 में आ गए हम लोग अब कोई टेंडर भी नहीं है नया टेंडर होगा ये तो अब आप समझ लीजिए कि कोई दस साल पीछे चले गए तो सर आप जो एक काइंड kind ऑफ of अभी फ्लो हमें देखने मिल है इवन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एग्जिस्टिंग है वही मतलब काइंड ऑफ बहुत जोर से उसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है बट जो एक मेजर लेवल का अपग्रेडेशन होता है एक काइंड kind ऑफ of हम जनरेशन शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर वैसे लेवल पे ना काम होते हुए नजर आ रहा है बल्कि वेरियंट नजर आ रहे हैं विच आर मैं इंफीरियर वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा बट स्टिल इट सीम्स लाइक इट जैसे अभी मान के चले तो हम जो साधारण रेक हमने देखा वो तो completely कुछ और ही था वो हम वंदे भारत से कंपेयर भी नहीं कर सकते बट नाम वगैरह जो भी था वो चीज हुई उसके बाद में में हमें वंदे मेट्रो की तरफ में शिफ्ट नजर आ गया और कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक एक डायरेक्शनलिटी चेंज हो गई ये लॉन्ग टर्म में जो हमारी कैपेबिलिटीज है गुड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रेक्स मैन्युफैक्चर करने की इसको इफेक्ट करेगी देखिए दो बातें हैं पहले पॉजिटिव बात कर ले फिर नेगेटिव पे आएंगे अब आपने 200 सौ ट्रेन का ऑर्डर दिया है और 10 स्लीपर वर्जन का बीएमएल पे भी है तो 210 सौ दस ट्रेन का है ऑर्डर अदर देन वॉट इज ऑलरेडी ऑर्डर ऑन आईसीएफ एन एमसीएफ एन आर सी एफ फॉर रेगुलर चेयरकार वंदे भारत एंड वंदे मेट्रो एंड ऑल दैट तो ये एक मेजर केपेबिलिटी तो कंट्री में डेवलप होगी ही टीटागढ़ में होगी बी के एसोसिएशन में टीटागढ़ में एक अच्छी कैपेबिलिटी फॉर मेकिंग वंदे भारत बी डेवलप्ड और टीएमएच प्लस पीछे चल रहा है तो में नहीं मैं आपने भी सुना होगा उसमें तमाम वो परेशानियां आई थी वो सब रिज़ॉल्व भी हो गई अभी भी पूरी रिजोल्व हुई कि नहीं मैं नहीं कह सकता लेकिन वो भी एक डेवलपमेंट तो है ही वो भी आई होप शेल कंप्लीटेड तो ये एक मेजर केपेबिलिटी कंट्री में डेवलप होगी अगेन ऑर्डर बट इट विल है आपने जैसा कहा आमतौर पर हाइप बनी हुई है कि वंदे भारत में ये इंप्रूवमेंट हो गया वो इम्प्रूवमेंट हो गया छोटा मोटा पर आप देखिए तो सही मायने में ट्रेन लगभग वही है जो पहली दो ट्रेन बनी थी उसमें आप थोड़ी बहुत टिंकरिंग इधर उधर हुई है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है 2018 से आज 2024 में आ गए हम लोग इतने में कैपेबिलिटी है आईसीएफ में कि उसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट कर पाते और उसको मैं आई नेवर कॉल द ट्रेन वर्ल्ड क्लास आई इट वर्ल्ड क्लास हम नियर वर्ल्ड क्लास पहुंचे उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश थी वो उतना काम होते हुए नहीं देख पा रहा है एक चीज और स्लीपर वर्जन की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोग ने दो में ही काम शुरू किया था वो फिर रुक गया तमाम और वजहों से फिर अब ये स्लीपर वर्जन है 210 सौ और बी को भी ऑर्डर है जिसके बारे में मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आता है कि मार्च में आ जाएगी लेकिन मार्च में नहीं आने वाली वो वो मुझे लगता है मिड 2024 में शायद प्रोटोटाइप बाहर आए टेस्टिंग वगैरह होगी उसको इंट्रोड्यूस होते हुए वो साल का एंड हो सकता है तो हुआ ये कि आप वंदे भारत तो बनाए जा रहे हैं और अच्छी बात है प्रोलिफरेशन हो रहा है लेकिन ऐसे रूट्स कम हो जाएंगे जिसमें आप डे ट्रेन आप वंदे भारत चला पाए और जहां पे क्लाइंटेल मिले इस हायर फेयर की तो स्लीपर वर्जन की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी आज से चार साल पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन अब ठीक है बेटर लेट देन नेवर और इस साल बी का प्रोटोटाइप आएगा फिर नौ और बनाएंगे वो तो वो एक मेजर चेंज दिखेगा और अच्छी बात है वो हम ईगरली वेट कर रहे हैं उसके लिए वंदे मेट्रो को तो मैं कम से कम अपने समझ से कोई इंप्रूवमेंट नहीं मानता क्योंकि आपने इंटरसिटी इसका पर्पज था कि सौ किलोमीटर के आसपास की जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज उसके लिए आप ये बना रहे हैं और इसको ऑप्टिमाइज करेंगे 130 किलोमीटर के लिए तो सस्पेंशन वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज होगा ऐसा मेरी समझ है और ऐसा सुन रहे हैं कि मार्च में शायद आरसीएफ से या आईसीएफ से भी एक, -एक प्रोटोटाइप निकलेगा मेरा ये मेरे को समझ में नहीं आता कि इसकी क्लाइंटेल कैसे मिलेगी देखिए अभी 130 किलोमीटर की रेंज में एमयू एमयू वगैरह चलती है उसका क्या फेयर है आपको पता है उस फेयर पे आप वंदे मेट्रो अगर चलाएंगे तो वो तो बहुत ही घाटे का सौदा है और अगर आप फेयर वंदे भारत लेवल पे लेके आएंगे तो आपको क्लाइंटेल मिलेगी कोई एग्जाम्पल दो समझ में आए जो दो शहरों के बीच में आ, ये चले और उसकी क्लाइंटल मिले मैं एग्जाम्पल देता हूँ लखनऊ से कानपुर फॉर एग्जाम्पल अभी एम e. चलती है ठीक क्लाइंटल है वहां पे आप इसको लगाएंगे तो हो सकता है दस से पंद्रह मिनट टाइम बच जाए इससे ज्यादा नहीं बचेगा आफ्टर ऑल इंटरसिटी मींस इट विल हैव और लेकिन फेयर आपको रखना पड़ेगा जो अभी प्रेजेंट एमईमू e. है अगर आप वाकई वंदे भारत लेवल का फेयर रखेंगे तो फेयर तो इट विल बी मल्टीपल टाइम्स दैट तो उसकी क्लाइंटल मिलना मुझे मुश्किल लगता है अब ऐसा मेरा मुझे लगता है देखिए अब ये इंट्रोड्यूस होंगी कहाँ पे चलेंगी कितनी सक्सेस होगी शुरू में तो नॉवेल्टी की वजह से जरूर लोग ट्रेवल करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेन पे मुझे डाउट है तो ये है इस समय अब अब इस समय जो मेजर चेंज मुझे होराइजन पे दिख रहा है वो सिर्फ यही है कि स्लीपर वर्जन आ जाएगा और जहां तक टीटागढ़ की ट्रेन और टीएमएच की ट्रेन का सवाल है प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज तो उसमें आएंगी ही प्राइवेट सेक्टर इज डेफिनेटली मोर एफिशिएंट देन गवर्नमेंट इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इन लोगों ने बिड जो है वो काफी कॉम्पिटेटिव दी है तो इसमें कोई अगेन कोई मेजर चेंज आपको शायद ना दिख पाए

सर मे मेरा सवाल विल बी वेरी वेरी प्योरली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हमारी जो फैक्ट्रीज hmm. है सर चाहे वो आईसीएफ हो या कपूरतला के हो या कोई भी हो चाहे लोकोमोटिव के हो कोचेज़ की हो आ, कोई भी हो समटाइम्स वी सी कि वो कैपेबिलिटीज़ फैक्ट्रीज में नहीं आ पाती जिसके वजह से प्रोडक्शन को चाहे हम अप करने की बात हो या एक काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात हो तो सर वेयर डू यू सी कि चेंजेस होने चाहिए

इन सब में एक प्रेशर हमेशा रहता है नंबर का वो नंबर पूरा करना जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी जो है वो बैकसीट लेती है और क्वालिटी ये दे सकते हैं अच्छी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लेकिन उसके लिए नंबर से ध्यान हटा के क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है हो सकता है नंबर शुरू में सफर करेंगे बिकॉज uh, बहुत से बहुत से आपके मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम्स की वजह से जो खामियां रह जाती हैं वो फिर आपको होल्ड <coughs> बैक करना पड़ेगा वो स्ट्रेस क्वालिटी पे नहीं है ये आप देखेंगे जब ये 200 सौ ट्रेन स्पेशली टीटागढ़ से जो आएगी उसमें क्वालिटी डेफिनेटली आईसीएफ से बेटर होगी बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में ऑप्टिमाइज करके बनाएंगे इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो आपका सवाल इट सेल्फ इज एन आंसर इन द सेंस दैट क्वालिटी पे स्ट्रेस जब आएगा तो अपने आप हो जाएगा यस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा कोई मशीनरी प्लांट या इक्विपमेंट uh, वगैरह में नहीं चाहिए वो सब है वहां पे केवल कल्चर की बात है और असिस्टेंस ऑफ मॉडर्न टूल्स लाइक इंडस्ट्री फोर ये सब अभी नाम के लिए है ये मतलब सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो, तो इस पे ध्यान दे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी गवर्नमेंट कल्चर में थोड़ा दिक्कत है वो क्योंकि ऑलवेज नंबर बिकम्स इम्पोर्टेंट लेकिन अगर इस पे कोई स्पेशल स्ट्रेस दिया जाए एक साल दो साल केवल क्वालिटी के ऊपर तो इंप्रूव हो सकती है क्वालिटी लेकिन हम लोग वो नंबर से इतना इनामड रहते हैं नंबर के पीछे कि वो उतना नहीं हो पाता है तो आपका सवाल सही है हो सकता है मुश्किल आसान नहीं है लेकिन किया जा सकता है उसके लिए आपको कुछ दिन आंखें मोदनी पड़ेंगी कि हो सकता है प्रोडक्शन थोड़ा घटे शुरू में पर एक कल्चर आ जाए कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो हो सकता है सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं या लाइक विल इट बी राइट टू से कि करेंटली रेलवे का फोकस जो है ना वो एक चीज पे लंबे समय तक नहीं रह पा रहा है इसमें मैं पे सिर्फ रेक्स एंड कोचेस की सबसे बात कर रहा हूँ

पूरा का पूरा फोकस करना है ना उसके बाद में फिर ये वंदे स्लीपर्स वगैरह पीछे रह गई डू यू थिंक सर अगर डायरेक्शन रेलवे दे रही है किसी चीज को तो वो जो उसके ऊपर फिर एक लॉन्ग टर्म फोकस है कि रेलवे में कुछ भी चेंज लाना है समय तो लगेगा तो वो फोकस है या नहीं है साइड लाइक दिस वुड बी माय क्वेश्चन एज लाइक अ पैसेंजर नॉट लाइक समवन हु इज इनटू इंफ्रा तो देखिए इसमें इसका जो निष्कर्ष है वो आप लोग आपके दर्शक खुद निकाले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि रेलवे के लिए इतना अच्छा टाइम रेलवे के लिए कभी नहीं आया इस सरकार की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है रेलवे में कहा 40 पैंतालीस हजार करोड़ से ये 2.6 लाख करोड़ पे कर पहुंच गया दस साल में तो ये सरकार की बिलीफ है कि भाई रेलवे अपने फाइनेंस अच्छे से नहीं कर पा रही पैसे सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रही ऑपरेटिंग रेशियो सौ के आसपास ही रहता है बल्कि ऊपर रहता है उसको किसी तरह से जोड़ तोड़ के नीचे लाया जाता है होगा वो वो अलग देखिए आपको रेल कंट्री की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इट्स स्पिन ऑफ बेनिफिट इन द इकोनोमी आर मोर इंपॉर्टेंट इसलिए रेलवे में पैसा लगेगा okay. तो आई एग्री विद दैट तो अच्छा नोशन है तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब पैसा आपको दे दिया अब उसके बाद आपको अपनी फोकस एरिया रेलवे को तय करनी है कि यार इतना पैसा मैं कहाँ खर्च करूं वहां मुझे कमी दिखती है मैं अगर लेफ्ट मी मैं कहूंगा कि इन तीन चार चीजों पे फोकस होना चाहिए सबसे पहले ट्रैक अपग्रेडेशन आज आप वंदे भारत बनाए जा रहे हो 160 किलोमीटर केपेबल लेकिन आपके पास ट्रैक सिर्फ एक है आगरा से निजामुद्दीन और अब दूसरा तैयार हो गया आपने सुना होगा खबर इस इस महीने अगले महीने शुरू होगा वो मुंबई से अहमदाबाद ये अब तक मेरे ख्याल से चूंकि वंदे भारत को बने हुए इतने साल हो गए ये अब तक कोई पांच हजार किलोमीटर का हो जाना चाहिए था अभी दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा भी पूरा नहीं हुआ तो इस इसपे बहुत बड़ा फोकस चाहिए देखिए पैसे ही तो कभी है नहीं केवल एग्जीक्यूशन की बात है एक तो ये इस पे मच मोर फोकस देन द ट्रेन इट सेल्फ इज वॉट आई वुड से ऑल दो The creator of Bharat and I am so, so like the क्रिएटर ऑफ वंदे भारत main focus फील है ट्रैक अपग्रेडेशन बिकमिंग होना चाहिए पैसे की कमी नहीं है दूसरा है कवच mm. कवच को मैंने पहले भी कहा है आई कंसिडर इट अ ग्रेट डेवलपमेंट बाई इंडियन इंजीनियर्स इट्स अ टोटली यूनिक सिस्टम एग्जिस्टिंग ओनली इन इंडिया डेवलप्ड इन इंडिया फॉर इंडिया इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम लोगों में एक गलत इंफॉर्मेशन है कि ये एंटी कोलिजन सिस्टम है सिर्फ नहीं ये कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम है और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है आप अपने यहां अगर खूब तेजी से लगाएं इसको तो कल को इसकी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी भी बहुत तगड़ी है मोर देन वंदे भारत ट्रेन बिकॉज वंदे भारत जैसी ट्रेन तो दुनिया में सब जगह है डेवलप कंट्री में बट कवच जैसा सिस्टम किसी के पास नहीं है जो ईटीसीएस लेवल टू अगर आपने सुना हो उसके मुकाबले वन फोर्थ उसके ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट में ये हो जाता है पर किलोमीटर कॉस्ट इसका पचास लाख के करीब जबकि ईटीसीएस लेवल टू का आता है दो दो लाख पर किलोमीटर तो बहुत फोकस चाहिए देखिए ये भी दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा सेंक्शनड है लेकिन अभी कहा कमीशन हो पाया अभी साउथ सेंट्रल रेलवे के अलावा कहीं पे कमीशन नहीं हो पा रहा है इस पे भी तगड़ा फोकस चाहिए दूसरी एरिया मैंने आपको बताई पैसे की कोई कमी नहीं आगे एग्जीक्यूशन की बात है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है इट इज नॉट एज इजी एज मैन्युफैक्चरिंग अ ट्रेन आई एग्री एक फैक्ट्री में आपको सप्लाई चेन ठीक करके ट्रेन बनाना एक बात है लेकिन एक ऑल ओवर द सेक्शन हर जगह टावर लगा के हर स्टेशन पे और वहां का लोकल काम करके और ग्राउंड इक्विपमेंट जो थोड़ा बहुत है इसमें वो लगा के करना आसान काम नहीं है लेकिन इस पे फोकस जितना है उससे ज्यादा चाहिए तीसरा अब मैं ट्रेन पे आता हूं कि एक कंफ्यूज्ड सिग्नल मुझे समझ में नहीं आता ये जैसे ये पहले वंदे साधारण नाम दिया फिर शायद थोड़ा उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन दिखाया कि भाई ये क्या है साधारण लोग साधारण ट्रेन में चले और वट तो उसको उसका नाम अमृत भारत रखा इन्होंने पुष्पुल ये ये पुष्पुल ट्रेन बना के वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इससे क्या फायदा हुआ ये ये वन, आप एक वंदे भारत इक्वलेंट एन इम्प्रूव वंदे भारत पे कॉन्सेंट्रेट करिए तो वो एक मिक्स सिग्नल वो आ रहा है और उसमें भी आप उसको वंदे मेट्रो और इन चीजों में डाइल्यूट कर रहे हैं तमाम आपने एक वंदे फ्रेट भी सुना होगा जो कि एकदम ही हेयर ब्रेंड आइडिया थी वो कभी आपसे अलग से बताएंगे वो वो उसके पीछे कोई थॉट ही नहीं था कि ये हैंडल कहाँ होगा कारगो वंदे फ्रेट आपने बना दी इतनी महंगी ट्रेन और वो उसमें आप बजाय पुरानी आईसीएफ कोच एक इंजन लगा के उसी स्पीड पे चला देते टाइम टेबल में तो कितने सस्ते में काम होता तो हुआ वही लोगों की समझ में आया कि इसकी क्लाइंटेल नहीं मिलेगी तो आपने वो देखा होगा प्रोजेक्ट अब कोई बात नहीं करता उसकी तो वंदे भारत एक आ, आ, प्राइम मिनिस्टर का इतना आशीर्वाद है जिस ट्रेन को और उसी वजह से आज पचास बनी है वरना ये रेलवे वाले कभी नहीं बनाते तो ये ऐसी चीज जिसको मोदी साहब खुद जाके हरदम इनागरेट करते हैं उसको आप एक्सप्लॉयट करते और इम्प्रूव करते तो आपसे भी कोई देर नहीं हुई है आपसे भी इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए और इसको आ, मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट आप ले जाइए वर्ल्ड क्लास की तरफ ये फोकस होना चाहिए और स्लीपर वर्जन तो मैंने बताई चाहिए और एल्यूमिनियम वर्जन अब आ सके तो बहुत अच्छा होगा और चौथी चीज एक बार बोलूंगा जो बहुत जरूरी है क्योंकि अमृत काल में भारत एक विकसित देश होने वाला है और मैं भी मानता हूं कि होगा यानी कि आपको दो तक का टाइम है ठीक है और उससे पहले हो जाना चाहिए तो उसमें एक चीज आपको बहुत खास तौर से देखनी होगी कि, कि किसी भी विकसित देश में साधारण पैसेंजर्स क्या ऐसे ट्रैवल करेंगे जैसे आज करते हैं उनके बारे में क्या सोचा है आपने आप उनको बैठने की तो दूर खड़े होने की भी ठीक से जगह नहीं देते तो वो कंफर्ट तो दूर उनको कोई डिग्निटी भी नहीं है ट्रेवल करने में आप रेलवे वालों से अक्सर सुनेंगे कि भाई इनका टिकट इतना कम है इनको ये यही फैसिलिटी मिलेगी ये बहुत गलत सोच है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं आज उनकी पॉकेट में शायद उतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें लेकिन आपको ओवरऑल आपको देखना होगा कि क्या डेवलप्ड भारत में भी उनकी पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा नहीं। मुझे लगता है रहेगा तो आपकी तैयारी आज से शुरू करिए और उनको कंफर्ट और डिग्निटी के साथ ट्रैवल कराने का क्या इंतजाम हो सकता है ये सोचिए तमाम चीजें पॉसिबल है आप पहले से सोच ले कि नहीं हो सकता तो नहीं होगा तो उस तरफ सोचना चाहिए शुरू में वो हो सकता है रेलवे के लिए काफी घाटे का सौदा हो तो कोई बात नहीं आप वंदे भारत में पैसे कमा रहे हैं आप और वंदे भारत में आप पैसे कमा के इधर इम्प्रूवमेंट करिए क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं मैं तो कहता हूँ सारी ट्रेन ए होनी चाहिए हमारे यहाँ जिस तरह की क्लाइमेट है इस तरह की एक सोच आनी चाहिए तो सोल्यूशन निकल आएंगे अभी देखिए सोच में कमी कहाँ है आपको पता होगा शायद कि एसी फर्स्ट से भी रेलवे कोई पैसे नहीं कमाती केवल एसी सी थ्री से कमाती है और इसी चेयर कार से तो यानी एसी फर्स्ट के पैसेंजर को भी आप सब्सिडी दे रहे हैं आप कहेंगे कि अरे इसका किराया बढ़ाएंगे तो लोग एसी फर्स्ट में नहीं चलेंगे तो नहीं, नहीं, नहीं चले लेकिन आप किराया कम करके उनको ले जाना चाहते हैं जो कि ज्यादा पैसे दे सकते हैं यह सब चीज थोड़ा सोचने की जरूरत है जिससे कॉमन मैन का ट्रेवल इंप्रूव करे तो ये तीन चार चीजें मैंने आपको बताई पैसे की कोई कमी नहीं है और इतना बढ़िया टाइम रेलवे के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा आपकी रेलवे की जो कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती हैं जो या मैन्युफैक्चरिंग yes. में उनके स्टॉक्स मल्टीपल टाइम बढ़े जा रहे हैं तो इसको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी एक्सप्लॉयटेड बाई रेलवे मैन वहां कमी है वो करने की जरूरत है पर्सनली सर को ऐसे में मतलब बिलीव करता हूँ like तो काफी यंग हूँ फिर भी आ, एक जो होता है travel, comfort, और को हम ना लग्जरी के साथ में मिस इंटरप्रेट करते थे हमारे देश के अंदर एंड नीड्स टू काइंड ऑफ बीस्टूड की ये चीजें लग्जरी नहीं है ये बेसिक नेसेसिटीज है जो हमारे देश के अंदर अभी चाहिए

प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी एंड देखते काम अच्छे तो हो रहे हैं अभी सब चीजें एक साथ एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे अगर एक बॉडी uh, से तो शायद हमारी तरफ से भी थोड़ा ज्यादा ही एक्सेप्ट करना हो जाएगा like, बट श्योरली गोल सेट हायर आर मच बेटर बिल्कुल गोल्स थोड़ा हायर रखने ही चाहिए और बार बार मैं शायद चौथी बार ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए कितना फॉर्चुनेट बात है ये फंड की कमी नहीं है अब आपको बस निकल के काम करना है इससे अच्छा मौका और कभी तो मिला नहीं रेलवे को अभी इस सरकार ने दिया है उसका फायदा पूरा उठाना चाहिए इनफैक्ट कुछ डिपार्टमेंट्स तो थे ऐसे बजट में जो लास्ट दिया हुआ बजट यूटिलाइज नहीं कर पाए थे पूरा जी वो yes. वो ही है। जी वो वही है सो थैंक यू सो मच सुधांशु सर हमारी ऑडियंस ऑलवेज लाइक दे अवेट क्योंकि ना टेक्निकल डिटेल्स ज्यादातर मीडिया में बाहर नहीं आ पाते ऐसे जब वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है तब जो एन क्राउड है या जो क्राउड इन चीजों को क्लोजली फॉलो करता है उनको तभी चांसेस मिल पाते हैं ऐसे बात करने के एंड ये बहुत सर अच्छी बात है बिकॉज मैं जब मतलब चैनल तो बहुत ही छोटा था तब से हम uh, कर रहे हैं देन अपॉर्चुनिटी देना सर ये बड़ी बात होती है बिकॉज हमारे लिए दरवाजे जल्दी खुलते नहीं है so, सो थैंक यू so सो मच सुधांशु सर हमेशा always. जब भी कोई ऐसी चीज आती है तब आप हमें सपोर्ट करते हो ना ऑडियंस के लिए सर कोई ना कोई चीज करते हो थैंक 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 यू 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 ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू आकाश सो मच